नमस्कार। उत्तर प्रदेश ना हाथरस में बनेल बलात्कार की घटना ने लई आम आदमी पार्टी द्वारा जिला कलेक्टर ना माध्यम थी केंद्र सरकार ने आवेदन पत्र आपवामां आव्युं। उत्तर प्रदेश ना हाथरस जिल्ला में 19 वर्षीय युवती मनीषाबेन वाल्मीकि साथे चार नराधमोए दुष्कर्म आचर्या हता, ते बाद युवतीनु मौत निपजू हतु। आ घृणास्पद बनाव विषे लखवानी शाही हजू सुकाई नथी, त्यां उत्तर प्रदेश ना ज बीजा बे बलात्कारना किस्साओए अने गुजरातना साबरकांठा जिल्लाना बे अने अमदावाद जामनगरमां पण बलात्कारना किस्साओए चिंता उपजावी छे। वारंवार शहेरो गामोमां महिलाओ साथे आवा घृणास्पद बनाव बने छे, जेना लीधे आजे समग्र देशनी महिलाओ पोताने असलामत अने असुरक्षित महसूस करे छे। तो आवा बनाव अटकाववा तथा दोषीओने फांसीनी सजा आपवा आम आदमी पार्टी द्वारा जिला कलेक्टरना माध्यमथी राष्ट्रपति श्रीने आवेदन पत्र आपवामां आव्यु। आज हम कलेक्टर श्री के माध्यम से राष्ट्रपति जी को आवेदन पत्र देने के लिए आए हैं, जो कि महिला सुरक्षा के मुद्दे पर हमने मांग करी है। हमारी मांग ये है कि महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए, चाहे वो गांव हो, शहर हो, तालुका हो, डिस्ट्रिक्ट हो, कुछ भी हो। महिला एक बिना सोचे समझे, बिना किसी डर के बाहर निकल सके। ये जो बनाव बने हैं हाल में गुजरात में और प्रदेशों में, उन बनावों से ऐसा प्रतीत होता है कि जो बेटी बचाओ बेटी का सुरक्षा का एक नारा था, वो कहीं व्यर्थ जा रहा है। तो हमारी दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत सारे कदम उठा रही है, तो केंद्र की सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती? यही हम कलेक्टर श्री से मांग रखने के लिए आए हैं। मैं गुजरात प्रदेश महिला प्रमुख ऋतुबेन।